शिवसेना एमपी की बयान से भड़का सुशांत का परिवार, बोला बनकर रोगंदी राजनीति। और पढ़ने इसके बारे में हमारे वेबसाइट vilayatemalla.com पर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब इस पर सियासत निचले स्तर तक पहुंचने लगी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा है कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस कारण उनके बेटे से अच्छे संबंध नहीं थे। इस पर सुशांत के स्वजन भर गए हैं। सुशांत के चाचा डॉक्टर डीके सिंह ने कहा है कि इस तरह की उल्टी सीधी बातों से पूरे परिवार को ठेस पहुंची है। सुशांत के पिता की कोई दूसरी शादी नहीं हुई है, आप अपनी गंदी राजनीति बंद करें। उधर सुशांत के भाई व बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि एक प्रतिभाशाली कलाकार की मौत हुई है, इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस मामले पर अब गंदी राजनीति हो रही है, आहत परिवार को और आहत किया जा रहा है। शिवसेना सांसद द्वारा सुशांत व उनके पिता को लेकर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी उल्टी सीधी बातों से पूरे परिवार को ठेस पहुंची है। सुशांत के अपने पिता से बहुत अच्छे संबंध थे और उनके पिता की कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से संबंध व पिता की दूसरी शादी को लेकर शिवनेता नेता संजय राउत के बयान पर सुशांत के चचेरे भाई व बिग जीपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने यह आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि किसके लिए वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, संजय पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। विधायक ने कहा कि सुशांत की मौत से परिवार सदमे है, मुंबई पुलिस के रवैये से बिहार ही नहीं पूरा देश आहत है। इसी बीच बयान देकर सीबीआई जांच की दिशा को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार ये चाहता है कि सही जांच हो और न्याय मिले। क्या है पूरा मामला, डालते हैं एक नजर। विदित हो कि 14 जून को सुशांत अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत मिले थे। इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच से असंतुष्ट सुशांत के पिता ने पटना में FIR दर्ज कराई। इसमें उन्होंने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती व उनके परिवार पर धन उगाही, ब्लड मिल, सुसाइड के लिए उकसाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले की जांच के लिए जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची तो वहां उसे असहयोग का सामना करना पड़ा। बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने ये जांच CBI को सौंपी। महाराष्ट्र सरकार CBI जांच के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बिहार व केंद्र सरकारों की आलोचना के क्रम में सुशांत के परिवार पर भी निशाना साधा। इस पर सुशांत के परिवार ने प्रतिक्रिया दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे वेबसाइट vilayatemalla.com पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पाएं।